बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक हो किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। जैसे आपने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो किसके बिना बने होते हैं? वो बने होते हैं बायोकेमिकल्स के। बायोकेमिकल्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में? आपने पढ़ा है पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे क्या है? प्रोटीन है। तीसरे क्या है? फैट्स हैं। चौथे विटामिन हैं। पाँचवें जो है वो मिनरल्स और छः चीज़ें हमारी खुराक का भी ऐसे हैं और हमारी जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं ये उनके बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके मिलकर बने हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को उर्दू में क्या कहते हैं? लखमियात। उर्दू में को कहते हैं लखमियात। तो प्रोटीन क्या चीज़ है? प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है। नाइट्रोजनस कंपाउंड का मतलब क्या है कि प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? लाजमी तौर पर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का मेन एलिमेंट्स है। जिस आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में मेन एलिमेंट्स कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स हैं। तो प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट हैं? प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। कभी कभार प्रोटीन्स के अंदर कौन आ जाता है? सल्फर भी आ जाता है। तो प्रोटीन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन, उसमें भी ये शामिल है और ये हमारी खुराक का भी क्या है? लाजमी हिस्से हैं। बहुत सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में खाते हैं उनमें प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल, आप अंडा खाते हैं, अंडे की जो येलो होती है वो क्या है? सारा उसमें प्रोटीन्स है। जितनी आप दालें खाते हैं, मटर खाते हैं, लोबिया खाते हैं, ये सारी इसमें क्या चीज़ें? प्रोटीन है। गोश्त के अंदर भी क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन जो है ये निकला किससे? प्रोटियोस से निकला है। ये लातिनी जबान का लफ्ज़ है प्रोटियोस, ग्रीक जबान का लफ्ज़ है प्रोटियोस। और प्रोटियोस का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? वे प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। यानी ये क्या है? ये जो केमिकल्स हैं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। दे आर द केमिकल्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम जैसा प्राइम मिनिस्टर, बड़ा वजीर आजम, इस तरह प्राइम इंपॉर्टेंस का मतलब है ये बहुत ज़्यादा ये अहमियत के हामिल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। डी स्टूडेंट, ये हमारी आपने पढ़ा कि जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं वो किस मिलकर बनी हुई है? सेल्स की। और सेल्स के अंदर आपने पढ़ा है कि हर सेल के अंदर बहुत सारे क्या? सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल, उसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल के अंदर भी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों की मिलकर बनी होती है। ये बनी होती है किसकी? लिपिड्स की। और दूसरी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये भी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की। इसके अलावा आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपने क्या पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या? हेरिडिटरी मटेरियल है। वालदेन से बच्चों में सारी प्रॉपर्टीज कौन लेकर जाता है? डीएनए लेकर जाता है। तो डीएनए किस में होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए खुद किसका मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन का। डीएनए भी किसका मिलकर बना हुआ है? डीएनए के अंदर भी क्रोमोसोम है जो आपके हमारी बॉडी में वालदेन से बच्चों में सारी क्रिएटर्स कौन लेकर जाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? दो केमिकल्स मिलकर बने होते हैं। एक का नाम क्या है? डीएनए। दूसरे का नाम क्या है? प्रोटीन। यानी इसकी आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। हमारी खुराक में भी है, हमारी बॉडी में भी इनका क्या है? बहुत बड़ा रोल है। फिर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है एक टॉपर, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को क्या करते हैं? तेज करते हैं। प्लांट के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स के अंदर। आप खाना खाते हैं तो खाना जो है 5-6 घंटे बाद क्या हो जाता है? हजम हो जाता है। तो कौन हजम करता है? हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं स्पेशल जिनका नाम क्या है? एंजाइम। ये खाना क्या करते हैं? हजम करते हैं। तो एंजाइम्स नेचर में क्या चीज़ है? प्रोटीन है। एंजाइम्स में क्या प्रोटीन है? फिर आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी में होने वाले बहुत सारे रिएक्शन को क्या करते हैं? तेज करते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन होते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शन को क्या करते हैं? तेज कर। कैसे करते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन को तेज करते हैं। आपने पढ़ा हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? दिमाग कंट्रोल करता है। लेकिन बाद जब इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो हमारे जिस्म को कौन कंट्रोल करता है? दिमाग के अलावा एक और सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, जिसका नाम क्या है? ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स एक खास केमिकल खारिज करते हैं, उसका नाम क्या है? हार्मोन्स। हमारी बॉडी को दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, दिमाग कंट्रोल करता है आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और दूसरा हमारी बॉडी कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। जब आप खौफ में होते हैं, गुस्से में होते हैं, उस वक्त आपको दिमाग काम नहीं करता, आपके जिस्म से बहुत सारे केमिकल्स खारिज होते हैं। वो जो केमिकल्स खारिज होते हैं वो क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या चीज़ें? केमिकल्स। हार्मोन्स नहीं होंगे आपको गुर्दे से काम नहीं करेंगे, हार्मोन्स सही नहीं होंगे आपको दिमाग काम नहीं करेगा।
तो हरमूज हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसे कहा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ऐसे केमिकल खारिज होते रहते हैं, वो क्या कहते हैं हरमूज। और हरमूज जो है नेचर के लिहाज से क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन यार आप प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसको इंपॉर्टेंस का तो पढ़ें। तो प्रोटीन का पहले इंपॉर्टेंस क्या आपको बताइए कि जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का जो मेम्ब्रेन होती है सेल के ज़्यादा सारी ह्यूमन बॉडीज प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी सेल मेम्ब्रेन और सेल की बनी है, सेल की क्या होती है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसकी मिलकर बनी हुई है प्रोटीन की। फिर हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम किसकी मिलकर बने हुए, डीएनए और प्रोटीन्स का। फिर आपको क्या है हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का मतलब क्या होता है जो रिएक्शंस को क्या करते हैं स्पीड अप करते हैं। आपको बताया अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना तो आपको खाना 3-4 दिन बाद जाकर क्या हजम हो। ये एंजाइम का काम आपकी बॉडी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है वो कौन तेज करते हैं एंजाइम करते हैं। तो एंजाइम्स क्या चीज़ है, केमिकली क्या है, किसके बने हैं प्रोटीन्स के मिलकर बने हैं। एंजाइम्स क्या चीज़ है प्रोटीन, तो सेल में ब्रेन भी प्रोटीन की मिलकर बनी है, आपको क्रोमोसोम भी प्रोटीन का मिलकर बना है, एंजाइम्स भी क्या चीज़ है प्रोटीन्स है। चौथे नंबर पर आपकी बॉडी के अंदर क्या है वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के होने वाले रिएक्शन को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, हमारी हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स भी जो है ये बेसिकली किस चीज़ के बने हुए हैं, प्रोटीन के मिलकर बने हुए हैं। फिर आपने एक और चीज़ पढ़ी है क्या, हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में क्या होता है एंटीजींस होते हैं, एंटीजींस होते हैं, एंटी क्या होते हैं बॉडीज होते हैं जो जरासीमों के खिलाफ हमारे जिस्म का क्या करते हैं मुकाबला करते हैं। हमारे जिस्म में कोई जरासीम चला जाए हमारे खून के अंदर एंटीजींस होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं वो जरासीम को क्या करते हैं मारते हैं। ये एंटीजीन और एंटीबॉडीज बेसिकली किसके मिलकर बने हैं, ये प्रोटीन के मिलकर बने हैं। ये क्या चीज़ है, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमारी बॉडी में देख लें प्रोटीन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा डी स्टूडेंट आपने पढ़ा है नाइन्थ आपने मेटर क्लास में पढ़ा हुआ है, सारी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, क्या चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि हमारी पूरी बॉडी में पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई किसका काम है, पूरी जिस्म में ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है, पूरी जिस्म में ऑक्सीजन और फूड कौन लेकर जाता है, पूरी जिस्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर एनिमल के अंदर कौन लेकर जाता है, ब्लड लेकर जाता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर आपने पढ़ा है 3 तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और क्या होते हैं प्लेटलेट्स। तो खून का कौन सा ऐसा ऑक्सीजन लेकर जाता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर एक केमिकल होता है उसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, हेमोग्लोबिन क्या करता है पूरे जिस्म में क्या करता है ऑक्सीजन लेकर जाता है। हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या चीज़ है, प्रोटीन है। हमारी बॉडी में क्या है, हेमोग्लोबिन है। अगर आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन होगा वो जिस्म वो क्या करेगा ऑक्सीजन लेकर जाएगा, जब ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो क्या होगा आपकी जिस्म में ऑक्सीजन सही सप्लाई होगी, आपकी बॉडी सही फंक्शन करेगी, क्योंकि हमारे जिस्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन सप्लाई करना कैसा काम है, हेमोग्लोबिन का काम है। हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या चीज़ है, प्रोटीन है, प्रोटीन के मिलकर बनी हुई है। ठीक हो गया, इसके अलावा डी स्टूडेंट हमारी जितनी भी बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारी जो स्किन है ना स्किन, हमारी स्किन भी प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है। हमारे जो बाल हैं एयर्स हैं ये भी प्रोटीन के मिलकर बने हुए हैं। आपने देखा होगा बाल लोगों के बाल गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं, उनमें प्रोटीन कम हो जाता है, बाल के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये प्रोटीन का सारा चक्र होता है। तो हमारी जो बॉडी हमारे जो एयर्स हैं इनमें ये किसके बने प्रोटीन, आपने सुना होगा वो लोग कहते हैं जी किसी बाल गिरे कहते हैं अंडा लगाया करें, अंडा लगाने से बाल नहीं गिरते, सरसों का तेल लगाएं क्योंकि सरसों के तेल में भी प्रोटीन है, अंडे में भी प्रोटीन है। आपने शैम्पू वगैरह देखे होगा, शैम्पू वगैरह के अंदर हर शैम्पू के अंदर तकरीबन ऊपर अंडे का फोटो बना होता है, इसलिए कि वो जो अंडा होता है वो शो करते हैं, अंडे की जो येलो होती है वो क्या करती है आपके बालों की खुराक है, उसमें क्या होती है प्रोटीन होती है। आपके अंडे सॉरी आपके जो बाल हैं स्किन है ठीक है, और आपके जानवरों के जो हूफ हैं हॉर्न है, हूफ कैसे कहते हैं, जो सींग होते हैं जानवरों के, स्किन होगी, बाल होगी, हूफ हॉर्न, ये जानवरों के सींग होते हैं ना, ये भी किसके बने हैं प्रोटीन के। खुर जिस तरह आपने घोड़े वगैरह के क्या होते हैं खुर होते हैं, जिसकी वजह से वो कितना चलता है घोड़े वर, वो जो खुर वगैरह होते हैं वो भी किसके मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा और ये किसके लिए ज़रूरी है, प्रोटीन्स ये आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन होगा तो आपकी बॉडी सही तरीके से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इसलिए ये बच्चों को क्यों देते हैं अंडा वगैरह क्यों देते हैं, अंडा खाने से प्रोटीन मिलती है, बच्चा सही क्या करता है ग्रोथ करता है। अगर आप सारी चीज़ें खाते हैं प्रोटीन नहीं खाते आपकी बॉडी सही ग्रोथ नहीं करेगी, आप में कुछ ना कुछ क्यों होगी डिफिशेंसी होगी। इसके अलावा ये एंजाइम आपने इसका क्या फंक्शन है, ये पेज नंबर 110 पर ये एंजाइमेटिक एक्शन आपको बता चुका हूँ, ये एंजाइम्स का काम करते हैं, ये एंजाइम का काम करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं आपकी बॉडी में होने वाले रिएक्शन को क्या करते हैं स्पीड अप करते हैं। जो रिएक्शन दिनों में होता है एंजाइम की वजह से घंटों में होता है, जो रिएक्शन घंटों में होना होता है एंजाइम की वजह से किस में होता है मिनटों में होता है। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन है।
फिर आप बताया बॉडी रेगुलेटर, ये जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं ये हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसके फंक्शन को मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें केमिकली क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा डी स्टूडेंट जो एंजाइम्स, ये जो प्रोटीन्स है ये कमर्शियल भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी जो कमर्शियल चीज़ें हैं मार्केट में जो दस्तियाब हैं ये किसकी मदद से तैयार होती है, प्रोटीन की मदद से तैयार होती है। मसलन ये जो आपका कपड़ा तैयार होता है, कपड़े की तैयारी, टेक्सटाइल कैसे कहते हैं कपड़ा, कपड़े की तैयारी में भी प्रोटीन इस्तेमाल होता है। इसका डिटर्जेंट जो सर्फ वगैरह होते हैं साबुन, इनकी तैयारी में प्रोटीन इस्तेमाल होता है। वेपेन 1, 10, 11 उसके टॉप पर है। और जो फूड्स वगैरह आप खाते हैं कमर्शियली, इनकी तैयारी में भी क्या इस्तेमाल होता है, प्रोटीन तैयार होता है। बेवरेजेस मशरूबात शराब वगैरह, ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं बेवरेज जिन्हें कहते हैं, विस्की हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सब में कौन इस्तेमाल होता है, प्रोटीन। सिरका जो है उसके में इस्तेमाल, वेनेगर किसे कहते हैं, सिरका, चीज़, पनीर, इन सब की चीज़ों की तैयारी में ये सारी चीज़ें क्या है, कमर्शियल है, मार्केटें मिलती हैं, कहाँ तैयार होती है, फैक्ट्रियों में। तो कौन तैयार करता है, केमिस्ट्री वाले तैयार करते हैं, किसकी मदद से तैयार करते हैं, एंजाइम की मदद से तैयार करते हैं। एंजाइम्स क्या चीज़ है, प्रोटीन, यानी प्रोटीन होगा ये सारी चीज़ें क्या होंगी, तैयार होंगी कमर्शियली, यानी कि मार्केटिंग में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बॉडी डिफेंस सिस्टम, आपको बता चुका हूँ हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीजीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं जो जरासीमों का क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है, प्रोटीन है। ये क्या चीज़ है, ये बॉडी डिफेंस सिस्टम है, बॉडी का डिफेंस करते हैं। जिस तरह आपकी आर्मी आपके मुल्क का डिफेंस करती है तो आपके जिस्म का डिफेंस क्या कौन करता है, आपके ब्लड में एंटीजीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। आपका खून ज्यादा है तो उसमें एंटीजीन एंटीबॉडी ज्यादा है, आप जरासीमों का सही क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। जब बंदी की एज ज्यादा हो जाती है तो जिसमें एंटीजीन एंटीबॉडीज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो बंदा क्या हो जाता है, उसमें डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है। कोई छोटी सी बीमारी भी आ जाती है उसमें क्या करती है, हमला कर देती है और हत्या उसको डेथ तक ले जाती है। जवान मतलब बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी क्या कर लेता है, उसका डिफेंस कर लेता है। बस यंग लोग होते हैं, उनको कैंसर भी होता है उससे भी वो ठीक हो जाते हैं। वजह क्या, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, सही होता है, डिफेंस सिस्टम क्या होता है, ताकतवर। तो ये जो है द एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में जो होते हैं जो जरासीमों के खिलाफ लड़ते हैं, ये नेचर में क्या चीज़ है, प्रोटीन है। ये आपके जिसम को क्या देते हैं, ये डिफेंस देते हैं। इसके अलावा और इसके क्या यूजेज है प्रोटीन के, प्रोटीन जो है ये बेकरी के आइटम में एक प्रोटीन इस्तेमाल होती है, क्या नाम है उसका, जिलेटिन, ये बेकरी के जो चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एनिमल्स हाइड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा विच आर यूज टू मेक लेदर, ये लेदर जो आपके जानवरों की जो चमड़ी है ये किसकी बनी होती है, चमड़ी, ये जो आप कुर्बानी करते हैं वो जो चमड़ी होती है ये प्रोटीन की बनी है। फिर चमड़ी से आगे क्या बनता है, वो लेदर की चीज़ें बनती हैं, ये बैग वगैरह बनते हैं, जूते बनते हैं जो जानवरों की चमड़ी है। इसके अलावा ये सारे शूज़ बनते हैं, इसके जैकेट्स बनती हैं, स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं सारे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी किसकी हैं, ये लेदर से बनती हैं, और ये लेदर भी बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। ये हो गए थोड़े से यूजेज। इसके अलावा भी अगर आप लिखने लग, मैं आपको बताने लग जाऊँ सारा हमारा जो लेक्चर है ये प्रोटीन के यूज में गुजर जाएगा। यानी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने इसके यूज आपने पढ़े, मेन मैंने से इसको कहते हैं प्रोटीन का लफ्ज़ ही मतलब क्या, प्राइम इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम चीज़ है। हमारी खुराक की 6 लाजमी चीज़ें हैं, सबसे जो अहम है जो क्या है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए, इसके सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें खाएंगे, पेज नंबर 110, कि जिनके खाने से आपकी प्रोटीन की कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। प्रोटीन जो है ये 50-50% ड्राई वेट ऑफ सेल, आपका जो सेल है, सेल हमारी बॉडी किसकी बल्कि बनी है, सेल की, सेल का जो 60 से कितने परसेंट जो ऐसा है, कितना 50 से लेकर 60% जो ऐसा है सेल का, वो किसका मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है सेल का। अच्छा, प्रोटीन मेकअप मेड मोर देन 50-55% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट का क्या मतलब है, आपके सेल में सबसे ज्यादा क्या, पानी है, पानी को निकाल दें तो बाकी जो चीजें बची हैं उसमें आप 50-55% जो है वो क्या, सेल फिर क्या पानी निकाल देता है। ड्राई का मतलब क्या है, पानी को छोड़कर। सब वैसे तो सेल में सबसे ज्यादा आपने क्या पढ़ा भाई, जैसे 70% तो सेल में पानी है, पानी को निकाले जो चीजें उनमें आधे से ज्यादा जो है वो क्या है, प्रोटीन है। ई प्रोटीन एज ए सोर्स एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, आप प्रोटीन का अपना क्या रोल है। मोस्ट प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स कंटेन ऑल द नेसेसरी अमीनो एसिड इनफ अमाउंट। अच्छा, पढ़ते हैं अमीनो एसिड क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट का नाम क्या है, मोनोसैकेराइड। इस तरह जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट का नाम क्या है, अमीनो एसिड। अभी आप किसके बारे में पढ़ते हैं, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले अमीनो एसिड के बारे में पढ़ने से पहले सोर्सेज पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें खाएंगे जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा। एनिमल से क्या है, एनिमल सोर्स क्या है जिससे आपको, फिश आप खाएंगे, मछली खाएंगे उससे आपको प्रोटीन मिलेगी, गोश्त खाएंगे गोश्त के अंदर प्रोटीन होती है, एग्स के अंदर प्रोटीन होती है, मिल्क दूध के अंदर प्रोटीन होती है, और जो चीज है ये पनीर अगर आप खाएंगे इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है। ये ऐसी चीजें खाने से प्रोटीन, प्लांट्स आप क्या चीजें खाएंगे आपको उससे प्रोटीन मिलेगी। जितनी दालें, लोबिया की दाल है, चना की दाल है, सारी दालें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है ना,
जितनी भी दाल है ये प्रोटीन का क्या है, बहुत बड़ा सोर्स है। बीन्स, लोबिया वगैरह आ गया, बीन्स में लोबिया वगैरह, ये भी क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक हो गया। और ये हमारी खुराक का क्या है, लाजमी हिस्सा है। यानी प्लांट एनिमल की ये चीजें आप खाएंगे तो आपके खाने से आपकी प्रोटीन की कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये तो होगी प्रोटीन है क्या चीज। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन है क्या चीज है, प्रोटीन के यूजेस क्या है और उसके सोर्सेस क्या है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के थोड़े से केमिकल कंपोजिशन के बारे में। प्रोटीन है क्या चीज, किसकी मिलकर बनी हुई है। डियर स्टूडेंट, जो प्रोटीन है ये किसकी मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन बनी होती है, प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट का नाम क्या है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट का नाम क्या है, अमीनो एसिड। क्या नाम है, अमीनो एसिड। ये नहीं, प्रोटीन क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटीन के छोटे, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, कार्बोहाइड्रेट किसका मिलकर बना हुआ, आपने क्या पढ़ा है, मोनोसेकेराइड का। कार्बोहाइड्रेट किसके मिलकर बने होते हैं, मोनोसेकेराइड के। जो प्रोटीन है वो किसके मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन जो है वो किसके मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड के। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लिपिड या फैट्स के बारे में। लिपिड्स किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं फैटी एसिड के। किसके मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड के। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, डीएनए किसका मिलकर बना होता है, डीएनए मिलकर बना होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड। इनकी क्या यूनिट्स का नाम है, जैसे आपने पढ़ा हमारी बायो के अंदर आपने पढ़ा, हमारा जो किडनी है वो छोटे यूनिट से मिलकर बना, उनका नाम क्या है, नेफ्रॉन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है, जिनका नाम क्या है, नर्व्स। हमारी बॉडी छोटे यूनिट से मिलकर बनी, उसका नाम क्या है, सेल। तो बॉडी किसकी मिलकर बनी है, सेल्स की। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, नर्व्स का। किडनी किसकी मिलकर बनी है, न्यूरॉन्स की। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, मोनोसेकेराइड का। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, अमीनो एसिड का। जिस तरह आपकी बिल्डिंग किसकी, ईंटों की, ब्लॉक की बनी होती है, सब प्रोटीन भी किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। व्हाट इज अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, देखें आपने क्या पढ़ा था, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन का डबल नंबर क्या है, 6। तो इसकी पहले 6 में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अमीनो एसिड में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अमीनो एसिड में देखें नाम से जा रहा है, अमीनो किसे कहते हैं, अमीनो। अमीनो किससे निकले, अमोनिया से निकले। और अमोनिया को किस, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। NH3 को अमोनिया कहते हैं, और NH2 को क्या कहते हैं, अमीनो कहते हैं। तो अमीनो एसिड को अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, इसमें एक तरफ क्या लगा होता है, NH2। NH2 किसे कहते हैं, अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, COH। जिसके आप COH क्या चीज है ये, इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। COH को कहते हैं कार्बो ऑक्सलेट एसिड। क्या, CO को क्या कहते हैं, कार्बो। OH को क्या कहते हैं, ऑक्सल। और एसिड इसलिए कहते हैं कि आपने पढ़ा है वो अरिनियस का सब क्या कहते हैं, जो चीज प्रोटॉन देने की सही रखती है वो क्या, एसिड। ये COH प्रोटॉन देने की सही रखता है, इसको क्या कहते हैं, कार्बो ऑक्सलिक एसिड। तो अमीनो एसिड में सेंटर में क्या होता है, कार्बन। इसके एक तरफ कौन होता है, NH2 ग्रुप। दूसरी तरफ कौन होता है, COH ग्रुप। कितने बॉन्ड होंगे कार्बन के, 2 कार्बन, कितने बॉन्ड होते हैं, 4। एक तरफ क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। और टोटल इधर नीचे क्या हो जाएगा, R ग्रुप हो जाएगा। ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड क्या है, ये NH2। इसको क्या कहते हैं, अमीनो। COH को क्या कहते हैं, एसिड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन देने की सही थे, इसलिए क्या चीज है, एसिड। ऊपर क्या हाइड्रोजन, नीचे क्या आर। आपके जो अमीनो एसिड में सेंटर में कार्बन, और कार्बन कितने बॉन्ड होता है, 4। एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ क्या, एसिड ग्रुप है। आपने लोरी ब्रासेट का सेप भी पढ़े, आपने लिविस का सेप भी पढ़े, दोनों का सेप के मुताबिक याद है आपको कि अमोनिया क्या चीज़ है, बेस है। क्योंकि अमोनिया लोन पे देने की स्लाइड भी रखता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की स्लाइड भी रखता है। तो अमोनिया बेस है, तो अमीनो भी क्या चीज़ है, बेस। ये भी क्या है, बेस। और ये नाम से जाहिर है ये कौन सा है, एसिड। यानी अमीनो एसिड एक यूनिक सा कंपाउंड है, इसके एक एंड पर बेस लगा हुआ है और एक एंड पर क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है। ये क्या हो गया, अमीनो एसिड। डियर स्टूडेंट, जो दुनिया में प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोटीन किससे मिलकर बने, अमीनो एसिड। दुनिया में अमीनो एसिड कितने टाइप्स के हैं पता आपको, 20 टाइप के। कितने अमीनो एसिड हैं, कितने होते हैं, 20। देर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने किस्म के होते हैं, 20। जितने भी अमीनो एसिड हैं इनमें NH2 भी होता है, इनमें H भी होता है, यहाँ पर COH भी होता है। ये तीन साइडें क्या है, सेम है। फर्क जो होता है किसके अंदर होता है, R के अंदर। बाज अमीनो एसिड ऐसे हैं उनमें R की जगह यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन। बाज अमीनो एसिड हैं यहाँ R की जगह क्या होता है, CH3। बाज अमीनो एसिड हैं वहाँ R की जगह क्या होता है, रिंग होता है। तो अमीनो एसिड की जो 20 टाइप्स हैं वो किसकी बेस पर है, आर की बेस पर है। आर को क्या कहते हैं, साइड चेन। क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, साइड चेन। साइड चेन इसलिए कहते हैं,
आर जो है ये बहुत लंबी चेन भी हो सकती है, आर से मुराद CH3, CH2, CH2, CH2 भी हो सकता है, आर से मुराद बेंजीन के दो रिंग भी हो सकते हैं। तो अमीनो एसिड के अंदर कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, चार। एक साइड पर कौन है NH2, एक ग्रुप पर कौन है हाइड्रोजन, एक तरफ क्या है COH, ये हो गया बेसिक पार्ट, ये क्या हो गया एस्टिक पार्ट। ये तीन साइडें 20 की 20 अमीनो एसिड की क्या है सेम है, जो फर्क है किसके अंदर है, इसके अंदर। कुछ अमीनो एसिड में आर की जगह कौन है हाइड्रोजन है, कुछ में आर की जगह कौन है ये चेन है, कुछ में आर की जगह क्या है ये रिंग है। जो अमीनो एसिड में समझ आइए, जो अमीनो एसिड का जो 20 किस्म के अमीनो एसिड है उनके उनके नाम है आप नेट में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके नाम है ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन है, ट्रिप्टोफेन है, इनके 20 इनके नाम है आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी बने होते हैं, आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड 20 में से 10 हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, कितने अमीनो एसिड 10 हमारी बॉडी में क्या होते हैं मौजूद होते हैं, और 10 जो है ये हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होते। जो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होते ये हमें क्या करने पड़ते हैं, ये हमें फूड के तौर पर लेने पड़ते हैं। 10 हमारी बॉडी में मौजूद है, ये हमें बाहर से जरूरी चाहिए नहीं होते, इनको कहते हैं डियर स्टूडेंट नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कैसे कहते हैं, जरूरी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, हमें बाहर से जरूरी नहीं होते, इसी इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल, यानी हमारी बॉडी को बाहर से जरूरत नहीं है। 10 अमीनो बस ऐसे हमारी बॉडी में खुद ही तौर पर क्या है मौजूद है, जो बाकी 10 ऐसे अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है, वो हमें क्या करने पड़ते हैं बाहर से लेने पड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल कहते हैं जरूरी, ये कहोगे खुराक में लेने जरूरी है। कुछ अमीनो एसिड हम अंडे की शक्ल में लेंगे 10 में से, कुछ हम लोबिया की दाल में से लेंगे, कुछ जो है ये गोश्त के अंदर होंगे, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, कुछ दूध के अंदर होंगे, आई समझ। तो ये जो 10 अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में मौजूद है। अमीनो एसिड कितने टाइप्स के हैं, 20 टाइप के, फिर ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो 20 में से 10 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में मौजूद हैं, इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो 10 हमारे जिस्म में मौजूद नहीं है ये हमें डाइट के तौर पर लेने पड़ते हैं, खुराक के तौर पर लेने पड़ते हैं, इनको क्या कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे बनाते हैं, अभी देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। अमीनो एसिड का क्या फॉर्मूला आपको बताया, इधर कार्बन, इधर क्या है NH2 ऐसे, इधर क्या है COH, इधर क्या है H, इधर क्या है R, ये एक अमीनो एसिड हो गया। इसके साथ इसके R के साथ में क्या लगा लेता हूँ 1, इधर दूसरे अमीनो एसिड में लिखता हूँ, वो भी सेम ही होगा। इधर कार्बन है, कार्बन की इस तरफ क्या है NH2, ऊपर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है COH, इधर क्या है R, इसके साथ क्या, इसके साथ में क्या लगा लेता हूँ 1, इसके साथ क्या लगा लेता हूँ, बल्कि इसके साथ में 3 लगा लेता हूँ, इसके साथ क्या लगा लेता हूँ 2। एक और अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, सेंटर में कार्बन, इधर कौन सा ग्रुप है अमीनो ग्रुप है, इधर क्या है हाइड्रोजन है, इधर क्या है COH है, इधर क्या है आर, इसके आर के साथ क्या लगे 1, बाकी देखिए सेम है, ये सारे ग्रुप क्या है ऊपर वाले तीनों साइड क्या है सेम है, फर्क किस में आर में, इसका आर 1 है, इसका आर 2 है, इसका आर क्या है 3 है, तीन डिफरेंट अमीनो एसिड है। अच्छा डियर स्टूडेंट, NH2 को वैसे NH2 को मैंने यहाँ पर क्या लिखे है, N को H2 को उस तरफ मैंने क्यों लिखे है, क्योंकि कार्बन के साथ बेसिक बॉन्ड कौन बनाता है नाइट्रोजन बनाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CNH2 ऐसे लिखने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है टेक्निकली ये गलत है, क्यों गलत है, इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है हाइड्रोजन, और आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के, तो कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाते हैं चार, तो ये टेक्निकली ये लिखना गलत है। क्या गलत है, जब NH2 लिखेंगे तो H2 को उस तरफ लिखेंगे, क्योंकि कार्बन के साथ जो बेसिक बॉन्ड है वो कौन बनाता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं बनाता। अच्छा ये कितने अमीनो एसिड हो गए 3, मैंने क्या बताया अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटीन, कैसे बनाएंगे देखें। अच्छा NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, NH2 दो है तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना, ये NH2 दो है तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ ना, ये NH2 दो है तो इनको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। अरे जय अभी क्या होगा, जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, इसका H इसके OH के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा वाटर, इसका H इसके OH के साथ मिलेगा, फिर क्या बन जाएगा वाटर। जब 3 अमीनो एसिड मिलेंगे तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे 2, जैसे आपको बताया था ना उसमें 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो पानी के 1 मॉलिक्यूल निकलता है, 3 मिलते हैं तो पानी कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं 2, 4 मिलते हैं तो पानी कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं 3, तो यहाँ पर 3 अमीनो एसिड मिले तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल क्या हो गए निकल के, कितने मॉलिक्यूल निकले 2, एक में से OH एक में से H। डियर स्टूडेंट
अमीनो एसिड है वो क्या चीज है? मोनोमर है, मोनोमर। और ये जो आपका प्रोटीन है ये क्या चीज है? पॉलीमर। मोनोमर जो सिंगल चीज होती है क्या होती है? मोनोमर। ये जो प्रोटीन है ये क्या है? पॉलीमर। यानी इसके अंदर बहुत सारे क्या है? मोनोमर है। क्या चीज है? बहुत सारे क्या है? पॉलीमर। इस अमल को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है केमिस्ट्री के अंदर? इसका नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। इसमें छोटी छोटी चीजें मिलकर, जिस तरह आप डेली लाइफ में आप ईंट, ईंट क्या है? मोनोमर। ईंट मिलकर पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, तो पूरी बिल्डिंग जो है वो क्या चीज है? पॉलीमर। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे? हमारा सेल जो आपका जो सेल है वो क्या है? मोनोमर। वो मिलकर पूरी बॉडी बनाता है, पूरी बॉडी क्या चीज है? पॉलीमर। जो आपका मोनोसेक्राइड है वो क्या है? मोनोमर। जो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। अमीनो एसिड मोनोमर, और जो प्रोटीन है वो क्या हो गया? पॉलीमर। मोनो मीन सिंगल। इस तरह फैटी एसिड मोनोमर, वो मिलकर क्या बनाएंगे? लिपिड। लिपिड क्या है? पॉलीमर। प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? मोनोमर। वो मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। डीएनए क्या चीज है? पॉलीमर। प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। तो डी स्टूडेंट, ये मोनोमर है, ये मोनोमर का क्या बनाते हैं? पॉलीमर। इस प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। क्या नाम है? पॉलीमराइजेशन। अभी देखें क्या होगा, क्या बनेगा। इधर क्या है? इधर आखिर में क्या है? NH2C, ऊपर क्या है? H, इधर क्या है? R1। सारा कुछ वही है, सिर्फ क्या हो गया, यहां पर क्या आ गया? OH चला गया, क्या रहेगा? CO। तो CO कैसे लिखे? CO ऐसे लिखते हैं हम। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। CO। अभी क्या होगा, क्या होगा डी स्टूडेंट? अभी इसमें से H चला गया, NH को आप, अभी कार्बन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ेगा? किस, इधर कौन आ गया? NH। NH और H इधर नहीं होता, बेसिकली इधर कौन होता है? नाइट्रोजन। जो होता है वो किधर लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। यानी NH में ये जो H है, ये नाइट्रोजन क्या होता है? ऊपर होता है। तो कार्बन आगा किसके साथ जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। अभी क्या होगा डी स्टूडेंट, आगे देखें, नाइट्रोजन आ गया, इसके बाद फिर क्या आ गया? कार्बन। कार्बन के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। नीचे कौन है? R2। इस तरफ क्या है? CO। CO कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, O ऊपर। फिर इधर कौन है? NH। NH को कैसे लिखेंगे? N नीचे होगा, H क्या होगा? ऊपर। क्योंकि H नीचे लिखने का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा, कार्बन के साथ बना रहा, नाइट्रोजन से था। आगे क्या होगा स्टूडेंट? NH हो गया, NH के बाद क्या है? C। C के बाद यहां पर क्या है? R3। R3 और इधर क्या है? COOH। ये क्यों हो गया? ये आपके पास क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन। ये जो बांड बने हैं, गौर करें जरा, इस बांड में क्या है? एक एक मोनोमर है, ये क्या है? दूसरा मोनोमर है। एक मोनोमर का कार्बन जुड़ गया दूसरे के किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। गौर करें डियर स्टूडेंट, इस ये क्या है? ये पहला है ना, ये कार्बन किसका है? ये पहले का है। और ये नाइट्रोजन किसका है? ये नाइट्रोजन, देखिए बीच में क्या है? प्लस है। नाइट्रोजन किसका है? दूसरे का। पहले अमीनो एसिड का कार्बन किसके साथ जुड़ गया? दूसरे के किस साथ जुड़ गया? नाइट्रोजन के साथ। इस बांड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड। क्या नाम है? पेप्टाइड। जिससे आपने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के दरमियान कौन सा बांड होता है? ग्लाइकोसाइड बांड। ग्लाइकोसाइड में क्या हुआ था? एक में से एच निकला था, एक में से OH, दो कार्बन जुड़ गए थे किसके जरिए? ऑक्सीजन के जरिए। उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड लिंकेज। यहां पर इसका नाम क्या है? पेप्टाइड बांड। कौन सा बांड? पेप्टाइड बांड। पेप्टाइड बांड क्या है? इसका कार्बन इसके नाइट्रोजन के साथ, इसका जो कार्बन है वो किसके साथ? ऐसे देखें, इसका कार्बन इसके नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया? जुड़ गया। इसको भी क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड। प्रोटीन के अंदर बहुत सारे पेप्टाइड होते हैं, इसलिए प्रोटीन का एक और नाम भी है। क्या नाम है? पॉलीपेप्टाइड। क्या नाम है? पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड किसे कहते हैं? प्रोटीन के अंदर वो बांड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बांड होता है, इस बांड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा बांड होता है? ग्लाइकोसाइड बांड। याद है हमने कार्बोहाइड्रेट में जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये एक रिंग है, इस तरफ क्या था? एक था, इधर क्या था? OH। ये दूसरा रिंग है, इस तरफ क्या था? एक था, इधर कौन था? OH। तो आपने पढ़ा था इसके एच और उसके एच मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर। तो क्या हो गया था फिर? ये वाला जो रिंग है, ये वाला रिंग और ये वाला रिंग आपस में क्या हो गया? जुड़ गए थे, और दोनों में बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। इस बांड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड लिंकेज। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोमर किसके से जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसाइड लिंकेज। आप सोच रहे होंगे कि हमने बांड पढ़े थे 9th क्लास में, आयनिक बांड, कोवेलेंट बांड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड, ये कहां से आ गए? डी स्टूडेंट, बांड ही कोवेलेंट ही है, सिर्फ इसका स्पेशल नाम है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर है जो इकोवेलेंट बांड, इकोवेलेंट बांड किसी है, इसमें शेयरिंग होती है। देखें
इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया गया है, कोवेलेंट बॉन्ड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। और प्रोटीन के अंदर भी देखें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे शेयरिंग हुई है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, चार, एक दो तीन चार। तो ये दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक इस कार्बन के साथ बनाएगा, एक इस साथ बनाएगा, इसके साथ चार बॉन्ड क्या हो गए, पूरे हो गए। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, तीन। नाइट्रोजन का डबल नंबर क्या है, फाइव, तीन बॉन्ड बनाता है, एक दो तीन। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते होते हैं, एक, देखें ये एक। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, दो। इसलिए हम क्या करते होते हैं, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड क्या है, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन याद रखिए हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन तीन बनाता है, और जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाते हैं, चार। आप देख लें पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको गड़बड़ नजर नहीं आएगी। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, आपको क्या बताया, कितने बॉन्ड बनाते हैं, तीन। देखें एक तो दो बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड हो गए, तीन, एक दो तीन। कार्बन कितने बनाते हैं, चार, एक दो तीन चार। हाइड्रोजन कितने बनाते हैं, एक। ऑक्सीजन कितने बनाते हैं, दो। देखें ये पक्की बात, केमिस्ट्री के रूल्स चेंज नहीं होते, ना प्रोटीन्स में चेंज होंगे ना कार्बोहाइड्रेट में है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसको स्पेशल जो नाम है, उसका स्पेशल नाम क्या है यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। और यहाँ पर इसका नाम क्या है, हाँ जी, कौन सा नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो डी स्टूडेंट, प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसे हैं डी स्टूडेंट्स, कुछ प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा आपको पता है, प्रोटीन में कार्बो, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है, प्रोटीन में तीन तरह के बॉन्ड होंगे, तीसरी तरह की कौन सी होगी, यार देखें डी स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इधर देखें ये क्या है, ये दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल, यही वाला मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये क्या है, नीचे लिख लेता हूँ। आपने नाइन्थ क्लास में फर्स्ट ईयर में एक और बॉन्ड भी पढ़ा, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पार्शियल चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल चार्ज नाइट्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करे, एक हाइड्रोजन दूसरे के पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन को अट्रैक्ट करे, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने पढ़ा नाइन्थ क्लास में फर्स्ट ईयर में, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जिसमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल। अभी देखें ऊपर वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इसमें कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नीचे वाले मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऊपर वाले का हाइड्रोजन नीचे वाले के हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करता है, ट्रैक करता है। तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, अगर हमने पढ़ा था बॉन्ड, बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। बॉन्ड के अलावा एक और आपने चीज पढ़ी थी, उसका नाम क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बात अब अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल है।